हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईटीआई के लोगों दोस्तों मैं बात करूंगा कि यहाँ पर बेस्ट ट्रेड कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर है। दोस्तों आप जब भी हाई स्कूल पास करते हैं या फिर इंटर पास करते हैं तो आपका एक सपना होता है कि हम भी आईटीआई करें, क्योंकि बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोग, आस पास के लोग आईटीआई करते हैं और कहीं ना कहीं किसी कंपनी में या फिर किसी जॉब करते हैं किसी फैक्ट्री में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, और काफ़ी दोस्तों आपको मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड करूँगा कि हाँ बेस्ट ट्रेड कौन सा है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि जो है मैं क्या बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉपिक है हु इज़ द बेस्ट ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कौन सा बेस्ट है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर है। वैसे दोस्तों आपका मैं बात करता हूँ वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पर दोस्तों असेंबली करने में अगर आपको काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप जो है फिटर ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वायर कटिंग में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जो है इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके चॉइस पर, आपके डिज़ायर पर। बट दोस्तों अगर आप वहाँ पर कन्फ्यूज़न होते हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें कौन सा ट्रेड बेस्ट है मेरे लिए, तो दोस्तों ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आईटीआई, आपको पता है दोस्तों आईटीआई, यहाँ पर अगर आप फीटर से आईटीआई करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी 2 ईयर की होती है, 10th+ ITI, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है और 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से भी दोस्तों आप 2 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसके बाद आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। फीटर से करेंगे तब भी आपको अप्रेंटिसशिप करनी होगी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करेंगे तब भी आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ये होता है कि जैसे आप आईटीआई करते हैं, आप एक थ्योरिकल मतलब थ्योरी पढ़ते हैं उसमें, मशीनों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप टोटल थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप अप्रेंटिसशिप करते हैं किसी फैक्ट्री से, किसी कंपनी से, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, सामने से देखना मशीनों को, चीज़ों को सामने से देखना, दोस्तों वो अप्रेंटिसशिप कहलाता है, ठीक है। वहाँ से आप प्रिपेयर होने के बाद फिर आप फाइनल जॉब के लिए तैयार होते हो। तो दोस्तों ये टॉपिक मेरा नहीं है, मेरा टॉपिक है विच इज़ बेस्ट इन इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में जो है दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर ऑफ द अपकमिंग वैकेंसी किस में होती है, ये मैंने पहले नंबर पे रख लिया, ठीक है, क्योंकि ये सबके दिमाग में होता है कि यार देखो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी तो बहुत आती है, फिटर की वैकेंसी बहुत कम आती है। जब भी भर्ती आती है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में तो यहाँ पर फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट मांगता है, फिटर वाले तो फॉर्म भर ही नहीं सकते और उनकी वैकेंसी लिमिटेड आती है, 10 या 15, 25, 30 वैकेंसी आती है बाकी अदर स्टेट में, अदर डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों सारा कन्फ्यूज़र मैं दूर करने वाला हूँ। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों, नंबर ऑफ द वैकेंसी, दोस्तों जो फीटर है ना, फीटर ट्रेड दोस्तों एक तरह से मैकेनिकल ट्रेड है। अगर आप बड़े लेवल पर जाएंगे इंजीनियरिंग में तो मैकेनिकल इंजीनियर बोला जाता है, उसके नीचे दोस्तों जाएंगे तो आप डिप्लोमा बोला जाता है, उसके नीचे जाएंगे तो फीटर बोला जाता है, ठीक है, मतलब कि आईटीआई लेवल बोला जाता है। तो दोस्तों अगर मैकेनिकल बड़ा है तो वो इंजीनियर होते हैं, उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होते हैं, उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आईटीआई होता है। उसमें अगर आप मैकेनिकल ट्रेड में जाएंगे तो आईटीआई में फिटर होता है। दोस्तों फिटर क्या करते हैं, उसका काम क्या होता है दोस्तों, फिटिंग शॉप, चीज़ों को असेंबल करना, फिटिंग करना। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, जैसे कि मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, रिंग हो गया, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके इंजन हो गया, कार्बोरेटर हो गया, जितने भी दोस्तों यहाँ पर इसके पार्ट्स होंगे उसको असेंबल करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, मेंटेनेंस करना। ये मेंटेनेंस दोस्तों एक मैकेनिकल का पोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कोई इंजन हो गया 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक इंजन हो गया, अब तो सारे इंजन जो है 4-स्ट्रोक ही होते हैं, तो दोस्तों उसमें मान लीजिए सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ इसके जो है मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें दोस्तों वहाँ पर पूरे इंजन को खोला जाता है, जो एक फीटर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर करता है। तो दोस्तों वहाँ पर एक बड़ी मतलब एक अच्छा मतलब मेहनत, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप बिल्कुल पसीने से तरबर हो जाओगे और आपको बहुत अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही दोस्तों अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में, अब यहीं पर आप कमेंट्स करेंगे अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो ट्रांसफार्मर बनाने में भी बहुत दिक्कत आती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर रेयर केस में ख़राब होती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर वायर की मैं बात करूँ, वायरिंग करना दोस्तों बहुत इजी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अगर कोई बोर्ड बनाना हो गया इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों कोई यहाँ पर कोई जंक्शन बनाना हो गया,
कोई वायरिंग करना हो गया, फिट मतलब कुछ भी करंट सप्लाई करना हो गया, तो दोस्तों ये काम थोड़ा सा फिटर मतलब फिटर की अपेक्षा थोड़ा सा ईजी होता है। तो लोग अभी आज के दौर में क्या करते हैं, जब भी आईटीआई करना होता है तो देखते हैं कि मेरे घर के सामने वाला इलेक्ट्रीशियंस कर रहा है और उसमें नौकरी अधिक आती है, तो दोस्तों यहाँ पर आँख बंद करके इलेक्ट्रीशियन ले लेता है, चाहे उसको उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट हो या फिर ना हो। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ आपको बिल्कुल कड़वा सच, जो सबसे अधिक दोस्तों भीड़ है ना वो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में। आप किसी भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अभी TG2 की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में TG2 की वैकेंसी आती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रीशियन होंगे सारे के सारे जो है, आपको तो पहले से पता है कि जितने बच्चे ITI कर रहे हैं उसमें से 60 से 70% सिर्फ कौन सा ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ले रहे हैं। और दोस्तों इसको लेने का एक खास वजह यह है कि ये इसमें जो है अधिकतर कम काम करना पड़ता है, ठीक है, हल्का आपके हाथ में एक प्लायर रहेगा, ठीक है, कटर वायर रहेगा, दो तीन चीज़ आपके पॉकेट में रहेगा, आप इंडस्ट्री में बड़े बड़े फैक्ट्री में आप रहेंगे, आप वहाँ पर घूमते रहेंगे, फॉल्ट नहीं होगा। कभी फॉल्ट दिन भर में मान लो एक बार हो गया, कभी कभी 3-4 दिन में फॉल्ट होता है, फिर वहाँ पर आपको काम लगता है। लेकिन एक फिटर जो होता है वो हमेशा जो है किसी न किसी शॉप में, फिटिंग शॉप हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसमें वो ढूंढता घूमता रहता है, काम अपना करता रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक मारुति कंपनी है, वहाँ पर मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है, तो मारुति बनती है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका काम फिटर का होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, तो दोस्तों वहाँ पर 1 से 2 दिन भी लग जाता है किसी एक काम करने में। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रीशियन है तो 1 घंटे में अपना रिपेयर करके रेडी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं कि ये काफ़ी हल्का काम है, थोड़ा कम काम है फिटर के कंपेरिजन में, ठीक है, मैं कम नहीं बोल रहा दोस्तों, उसमें भी काम है, बट फिटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम काम है, इसलिए जो बच्चे होते हैं अधिकतर इलेक्ट्रीशियन की ओर भागते हैं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ द अपकमिंग वैकेंसी। दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि फीटर की वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। आप जो है कुछ ही चीज़ हम देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको लगता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन से कर लूँ ITI तो UPRBNL और UPPCL तो है ही, मेरा वैकेंसी आएगी, फॉर्म भर देंगे, मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ITI करने के बाद फीटर से आपको ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल लेवल दोस्तों बहुत तरह तरह की वैकेंसी आती है, जैसे कि NTPC, दोस्तों यहाँ पर NTPC में जो है फीटर की वैकेंसी आती है, ठीक है, ONGC में दोस्तों यहाँ पर फीटर की वैकेंसी आती है, इसको दोस्तों यहाँ पर NCL, इसके ऐसे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये सेंट्रल लेवल दोस्तों वैकेंसी है, महारत्ना कंपनी है सेंट्रल लेवल की। ऑल ओवर इंडिया दोस्तों यहाँ पर फीटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें भीड़ कम है। अगर दोस्तों जहाँ भीड़ कम होती है वहाँ पर रिक्वायरमेंट अधिक होती है, कंपनी को अधिकतर फीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ITI वाले इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप कंपनी में जाएंगे काम करने तो दोस्तों आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से होगी, तो कंपनी को जो है काम ढूंढने में उस मतलब कि मैकेनिकल क्या उसको बोल सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रीशियन ढूंढने में, फीटर वाला ढूंढने में फीटर बहुत दिक्कत होती है, कोई फीटर का मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना बिल्कुल कतई गलत बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है, फीटर की नहीं आती है। हाँ, स्टेट लेवल में मान सकते हैं कि हाँ किसी किसी स्टेट में किसी किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी थोड़ी कम होती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब वर्क प्रोफाइल, काम कैसा होता है। मैं दोस्तों मैंने बताई अभी आपको, अगर आप फीटर से हैं तो आपको दोस्तों सीट मेटल में काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सीट वर्कशॉप में हैं, अधिकतर जो होते हैं फीटर वाले वर्कशॉप में ही काम करते हैं। जैसे कि आप रेलवे में हैं दोस्तों, यहाँ पर बोगी, कैरेज एंड बोगी, व्हील चेयर हो गया, और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोहा दोस्तों मेंटेनेंस से काम करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप आपकी ट्रेड ITI में फीटर है तो दोस्तों आप रेलवे ट्रैक में काम करेंगे, ठीक है, रेलवे ट्रैक में, जैसे कि उसमें ट्रैक में कहीं मेंटेनेंस हो गया, कहीं फॉल्ट हो गया, उसको बनाने काम करेंगे। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट दोस्तों बात करेंगे, प्राइवेट में अगर किसी मशीन शॉप पर आप चले गए, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस करना हो गया, मेंटेनेंस भी जा सकते हैं, मशीन ख़राब हो गई, रिपेयरिंग चल रहा है, वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप जो है फिटर में है तो आप फिटिंग शॉप में जा सकते हैं, जैसे सीट मेटल में, ठीक है, सीट मेटल में, लेथ मशीन में काम कर सकते हैं। अगर आप ITI की होंगे, फिटर से आपको पता होगा, लेथ मशीन जिसको बोलते हैं खराद मशीन, उस पर सारी मशीनिंग हो गई, टेपर टर्निंग हो गई, फिनिशिंग हो गई, ठीक है, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, ये सभी जो है एक तरह से पार्ट है, मैकेनिकल पोर्शन है, ठीक है, ये सभी चीज़ें ITI वालों को करनी पड़ती है। अगर आप जो है जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा मिलेगा। जैसे दोस्तों बॉयलर हो गया, बॉयलर में इलेक्ट्रीशियन वाले भी जा सकते हैं, फीटर वाले के अधिकतर फीटर वाले ही जाते हैं बॉयलर में, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हीट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पर काम करने में बहुत
प्रॉब्लम होती है, कोयला बिल्कुल जल कर लाल होता है और उसका टेम्परेचर दोस्तों बहुत ज़्यादा 1800-900 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन जो होता है, वर्किंग प्रोफाइल मैंने बताया आपको, ये फीटर के लिए। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है दोस्तों, आराम से इलेक्ट्रीशियन बैठा रहता है ऐसे कंपनी में। इलेक्ट्रीशियन जितने भी लोग होंगे बुरा मत मानना, ठीक है, आराम से बैठे रहते हैं। और जब फॉल्ट होता है तो दोस्तों प्लायर उनके हाथ में होता है, जाएंगे फटाफट प्लायर से काम कर देंगे। हाँ, बड़े बड़े फॉल्ट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जब बड़े बड़े फॉल्ट हो जाते हैं फिर दोस्तों वहाँ पर दिन भर लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वायर ख़राब हो गई, वहाँ पर वायर को कट करना है, पंचर हो गया, कट करना है, उसको निकालना है, रैपर निकालना है, इसके बाद इसको टाइट करना है और इसको टैपिंग करना है, तो ये काम इजी होता है। लेकिन वही दोस्तों अगर मान लीजिए कोई फीटर का है, कोई मशीन ख़राब हो गई, उसको निकालना, बोल्ट निकालना, इसके बाद उसको कटिंग करना, ठीक है, टर्निंग करना, टेपर करना, एक लेथ मशीन में फीटर वाला ही भी काम करता है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है फिजिकल वर्क। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि टुडेज़ डिमांड दोस्तों किस में है। मैं दोस्तों बात करूँ, मैंने अभी बताया था कि आज का डिमांड क्या है। आप दोस्तों हमेशा चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन से ही आईटीआई करें। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ बात इलेक्ट्रीशियन और फीटर की, तो इस चीज़ को लेकर के बाकी ट्रेड वाले दोस्तों गुमराह मत होना। अगर आपकी इच्छा कोपा में है, कंप्यूटर में है, तो आप कोपा में जा सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप जैसे चाहते हैं उसी फील्ड में जा सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आता इन दोनों में, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत कहना कि आप मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रीशियन ही लेनी चाहिए या फिर आपको फीटर ही लेनी चाहिए। दोस्तों आज का जो डिमांड है फीटर का है, क्योंकि दोस्तों फीटर में भीड़ कम है। मैंने बताया अभी कंपनी को जो है फीटर की ज़रूरत पड़ती है और फीटर वाले बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सच में अगर आपको कुछ फ्यूचर में अगर कुछ बनना है, अगर कुछ काम करना है दोस्तों, फीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे इलेक्ट्रीशियन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जॉब प्लेटफॉर्म कहाँ नौकरियाँ मिलती है दोस्तों, मैंने बताया है कि अगर फीटर से आप हैं आईटीआई, तो आपको मशीनों में जो है काम करना होगा, मशीनों के मेंटेनेंस में काम होगा, रखरखाव में काम करना होगा, लेथ मशीन में काम करना होगा, ठीक है। सारा मैकेनिकल प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, कटिंग प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है दोस्तों, तो इलेक्ट्रीशियन से आपको जो है यहाँ पर पीसीबी लैब मिल जाएगा आपको, ठीक है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो है पीसीबी लगे होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े जो है दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे होंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन होगी। वहाँ पर आपको मेंटेनेंस करना, वहाँ पर आपको देखभाल करना, चेयर में एसी लगी होगी, हो सकता है ना भी लगी रहे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर चेयर लगी होती है पीसीबी लैब में, कंट्रोल रूम में, और वहाँ पर दोस्तों बटन द्वारा सारा वर्किंग सारा मैनुअल होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ पावर प्लांट में। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आप जगह जगह चेक करते रहें कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं वायर में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थ्री फेज कनेक्शन, टू फेज कनेक्शन कहाँ कहाँ करना है। और हालांकि दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है दोस्तों फीटर में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि ब्राइट फ्यूचर अच्छी किसकी है। दोस्तों अगर आप आईटीआई फीटर से करते हैं तब भी आपकी फ्यूचर अच्छी होगी। अगर दोस्तों आप आईटीआई अगर आप इलेक्ट्रीशियन करते हैं तब भी आपकी फ्यूचर अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बात तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर जो भीड़ सबसे ज़्यादा कम है वो फीटर में है, तो दोस्तों फीटर जो है फ्यूचर में जो है काफ़ी डिमांडेबल होगा। क्योंकि आज के दौर में दोस्तों आप जितने भी चीज़ें बन रही हैं वो सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी से होकर ही गुजरना पड़ता है, और दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है वो होता है फीटर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अगर एक मारुति कार है, कोई एक कार है, कोई एक ट्रक है, कोई एक बस है, कोई एक इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन है, या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं दोस्तों, उसको बनाने में कहीं ना कहीं एक फीटर का ही हाथ होता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर का ही हाथ होता है। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आईटीआई दोस्तों एक ऐसा कोर्स है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितने दोस्तों 100% फैक्ट्रियों में 90% दोस्तों 90% सिर्फ आईटीआई काम करता है, 10% इंजीनियर काम करते हैं, ये सच्चाई है। वही दोस्तों रीज़न है कि इंजीनियर की जो है ना अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आईटीआई की डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, इनकी सैलरी थोड़ी अधिक होती है, और दोस्तों इनका काम ये भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सारा चीज़ें आज ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, मैनुअल हो चुकी हैं, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, रेसिव पर डिपेंडेड हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सारा आपको सिर्फ हैंडल करना है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्राइट फ्यूचर है ना दोनों में है, अगर वो डिपेंड आपको चूज करना है कि आप किस पर डिपेंड हैं, इलेक्ट्रीशियन पर डिपेंड है या फिर फीटर पर डिपेंड है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अदर बेस्ट ट्रेड इसके अलावा क्या है। दोस्तों अगर आप इन दोनों के अलावा कोई अदर ट्रेड लेना चाहते हैं
तो दोस्तों वो आपके लिए कोपा जो कि कंप्यूटर कोर्स होता है कोपा, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। इसका भी दोस्तों क्रेज़ है, अभी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको आईटी कंपनी मिलेगी, तो आप इसको करने के बाद आईटी कंपनी से आप जाकर काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आईटी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों एसी लगी होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर काम होते हैं वो एसी में होता है, एक बंद कमरे में होता है, बहुत फिजिकल वर्क नहीं करना होता, मेंटल वर्क करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मशीनिस्ट है, ठीक है, इसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ पर वेल्डर है, इसके बाद यहाँ पर वेल्डर दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके अलावा टर्नर है, बहुत सारे ट्रेड हैं, आप कर सकते हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज के दौर में जो जब लोग घर से निकलते हैं तो दिमाग में दो ही बात होती है, इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों सैलरी या फिर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, और गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों सैलरी की बात करूँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, ठीक है, अगर आप TG2 में है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है आपकी 13.5 प्लस मिलेगी स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब 30 से लेकर के 35,000 तक, 30 से 35,000 तक, ये गवर्नमेंट की बात करूँ। वहीं दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे स्टार्टिंग में अप्रेंटिसशिप करने के बाद, अगर मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया, तो अप्रेंटिसशिप में आपको पता ही है कि आपको जो वेजेस मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलते हैं 7,000, 8,000, 10,000, वो तो मिलेंगे मिलेंगे क्योंकि आप अंडर ट्रेनिंग में हो। लेकिन दोस्तों अंडर ट्रेनिंग से निकलने के बाद अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम 15,000 से 18,000 मिलते हैं, ठीक है, 15,000 से 18,000 रुपये मिलते हैं पहली साल, मतलब फर्स्ट ईयर। धीरे धीरे सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है 17,000, 16,000, 18,000, 20,000, और वो दोस्तों सैलरी बढ़ते बढ़ते 30 से 40K तक भी जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, सैलरी होती है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें काम करेंगे तो काम करने के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस होगा उससे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या मिलती है और प्राइवेट जॉब में क्या मिलती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि फ्यूचर ऑफ फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन, दोनों में जैसे फ्यूचर ब्राइट किसका है, तो दोस्तों मैं ब्राइट बोलूँगा फिटर का है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ऑलरेडी बहुत सारे बहुत लोग हो चुके हैं, इसका डिमांड दोस्तों आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्यूचर है ना फिटर का है, क्योंकि फिटर का काम कभी रुका नहीं है, ना कभी रुकेगा, ना कभी रुकने वाला है, और इलेक्ट्रीशियन का भी काम नहीं रुका है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इसमें जो है काफ़ी लोग इंक्लूड हो चुके हैं, तो अभी काफ़ी रिसेशन चल रहा है इलेक्ट्रीशियन में, कोई वैकेंसी आती है तो उस पर टूट पड़ते हैं लाखों बच्चे। लेकिन अगर फिटर की वैकेंसी आती है वहाँ पर थोड़े से आपको कंपटीशन कम देखने को मिलता है। आप देख लो कहीं उठा करके फिटर के बारे में कोई टीचर पढ़ाता हुआ मिल जाए यूट्यूब पर, बहुत कम, रेयर केस में, क्योंकि वैकेंसी को लेकर के लोग बहुत लोग सारे लोग आईटीआई इसी फील्ड में ही कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में। मिलेंगे टीचर, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, टीचर मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि 20% ऐसे टीचर मिलेंगे जो फिटर के लिए कराएंगे, और 80% जो है इलेक्ट्रीशियन का पढ़ाता है, ये आपको देखने को मिलेगा 100%। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कन्फ्यूजन आपको जो भी होगी वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आईटीआई की से जो भी पल पल की अपडेट होगी, जो कि ब्राइट फ्यूचर, आपको फ्यूचर में क्या कैसे करना है, कंपनी में क्या वर्क प्रोफाइल होता है, सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको गाइड करूँगा एक तरह से मान सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी ऐसी अपडेट आएगी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपके लिए होगी जो कि आपके फ्यूचर से संबंधित होगी, मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप उससे जुड़ सकते हैं, नई नई वैकेंसी को लेकर दोस्तों मैं अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो अपकमिंग वैकेंसी हैं, ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स वगैरह है, उसको लेकर दोस्तों मैं यहाँ पर अपडेट्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।